गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पढ़ाई पे आप रेगुलर फोकस बनाए हुए होंगे और सब सारे ग्रुप्स के बच्चे अपने अपने हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। जिस ग्रुप के अंदर जितना चैप्टर्स हो गए हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको उतनी तैयारी करनी है। टेस्ट लगातार आपको देते रहने हैं। जब टेस्ट होगा आपका, टेस्ट पेपर आपको दे दिया जाता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, और इसका हम लोग पार्ट ए पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसका नाम था एल्कोहल। इसका पार्ट बी पढ़ेंगे हम लोग, फिनोल। ये हमारी क्लास बच्चों जो होगी, इसके बाद में अगली क्लास आपकी, अब कोशिश करते हैं रक्षाबंधन के बाद हो। ठीक है बच्चों, रक्षाबंधन तक आपकी अब ऑफ रहेगा। रक्षाबंधन के बाद दो है, क्योंकि एक ईद आ रही है, उसके बाद में रक्षाबंधन होना है। तो दो, रक्षाबंधन के दो दिन बाद आपकी फिर क्लास है। जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन, उसके एक दिन बाद, तो मतलब यूँ कह सकते हैं तकरीबन आपके 4 या 5 तारीख के बाद में आपकी क्लासें फिर से रेगुलर होंगी। कोशिश करते हैं तब तक आप लोग जब आपका टाइम मिले रिवीजन करते रहें। हेलो एल्केन, हेलो एरिन वाला चैप्टर पूरा हो गया है। इस बीच आपको जो जनरल जीओसी हो पढ़ाई थी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका भी रिवीजन कर लें बच्चों आप लोग। ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन को पूरा करें, एल्कोहल पूरा करें, उसके क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं कोशिश कर वो हो जाए, डाउट हो तो फिर उसको पूछेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल में सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन या परिचय, इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें बच्चों। सब जानते हैं आप लोग कि जब बेंजीन रिंग पर OH समूह पाया जाता है तो उसको फिनोल कहते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं AROH, ये भी फिनोल है। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों PHOH, ये भी फिनोल है। इसी को हम लिख सकते हैं C6H5OH, ये भी फिनोल है। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 5OH, ये भी फिनोल है। तो इस सारे फिनोल को लिखने के स्टाइल से बच्चों सारे तरीके हैं जिससे हम लोग लिखा जा सकता है फिनोल को। उसके बाद में फिनोल के इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड जो टॉपिक आता है बच्चों, इसके अंदर वो आता है जनरल फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर नहीं पूछता है। उसके बाद में आता है बच्चों इसके अंदर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, क्लासिफिकेशन में नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने हैं वो मैं बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए बच्चों OH यहाँ होता है और इसमें CH3 जुड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिसोल। अगर CH3 यहाँ जुड़ा होगा तो ये कहलाएगा आपका ऑर्थो क्रिसोल। अगर मान लीजिए बच्चों यूँ कह सकते हैं OH और CH3 यहाँ जुड़ा होगा तो ये कहलाएगा मेटा क्रिसोल। और मान लीजिए बच्चों आपका OH यहाँ जुड़ा हुआ CH3 के साथ में तो कहलाएगा आपका पेरा क्रिसोल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके पास में इसकी बात करें OH हो और यहाँ पर हमारे पास में इधर एक और OH हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटेकॉल बोलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास में एक और फिनोल है और उसमें OH की जो पोजीशन है वो 1/3 है, उसको बोलते हैं कैटेकॉल। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? रिसोर्सिनॉल। ठीक है, रिसोर्सिनॉल। इसके अलावा का मान लीजिए 1/4 पोजीशन पर OH हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्विनॉल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्विनॉल बोलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए, ये बताया था मैंने आपको OH, अगर यहाँ OCH3 होता है तो इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बेंजीन पर हमारे पास में यहाँ पर OC2H5 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिटॉल बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए आपके पास में यहाँ OH हो और यहाँ पर आपका CH हो तो इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बोलते हैं बच्चों। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ऊपर OH हो और यहाँ पर COH हो तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसी तरीके से
और देखिए एग्जांपल्स हम जो काम में आने वाले हैं इसके अंदर, इसके अलावा बच्चों मान लीजिए हमारे पास में ये कंडीशन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं 2-hydroxy एसीटोफिनोन, ठीक है बच्चों। और अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर बेंजीन होगा तो बेंजोफिनोन हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपाउंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये आपका NO2, यहाँ NO2 और यहाँ पर भी आपका NO2 अगर मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी अगर NO2 जोड़ देता हूँ तो ये कहलाता है आपका पिक्रिक एसिड। क्या कहलाता है बच्चों? पिक्रिक एसिड कहलाता है। तो ये कुछ फिनॉल के कंपाउंड जो पूछ लेता है, लिख लीजिए इसको एक बार जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। लिख लिया बच्चों, आगे देखेंगे। इसके बाद में इसमें अगला टॉपिक आता है हमारे पास में, और उसको कहते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड की बात करें, बनाने की विधियों की बात करें, हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल के बनाने की विधियों की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल की बात कर रहे हैं। इसमें पहला है, नंबर वन है फ्रॉम डाई एजोनियम लवण की बात करें बच्चों हम लोग, तो आप जानते हो क्या होता है C6H5N2+Cl-। अगर इसको हम लोग उबाल देते हैं, बॉईल कर देते हैं वाटर के साथ में, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और वह अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास में C6H5OH, ठीक है बच्चों। उसके बाद में सेकंड बात करें हम लोग, इसको सेकंड किससे बना सकते हैं? फ्रॉम हेलो एरिन। अगर इसको हेलो एरिन से बना सकते हैं बच्चों, हेलो एरिन से आप सब जानते हैं बच्चों, हेलो एरिन मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लें और रिएक्शन करा दें इसकी NaOH के साथ में, तो क्या होता है बच्चों, पहले स्टेप में तो क्या होता है HCl निकल जाता है और यहाँ से बनता है ONA, बेंजीन फ्रॉक्साइड बनता है। वापस की HCl से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से HCl बाहर और बन जाता है आपका फिनॉल। खास बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में जब भी आपको रिएक्शन कराएगा ये NaOH के साथ में, तो दो तरीके से लिखता है, एक तो लिखता है आपका NaOH और दूसरा लिखेगा आपका H+। तो H+ कहाँ से आता है? ये HCl से आता है। तो डायरेक्ट भी बनवा सकता है आपको, यूँ कह सकते हैं अगर डायरेक्ट रिएक्शन चलवाना चाहे, डायरेक्ट इससे ये बनाना हो आपको, तो वो लिख के देगा यहाँ पर NaOH और सेकंड लिख के देगा H+। और ध्यान रखना है बच्चों आपको, जब भी NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ONA बनाओगे, ठीक है। और ONA में से Na+ को जब हटाना हो आपको, तो क्या करना है आपको, HCl से रिएक्शन करा देते हैं। HCl या H+ भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे इसके अंदर, ये लिख लो, दो प्रिपरेशन मेथड हो गए हमारे पास में, पहला डाइजीनियम सॉल्ट, दूसरा हेलोरिन। तीसरा आ जाएगा आपका फ्रॉम सल्फोनिक अम्ल से भी बना सकते हैं बच्चों हम लोग,
अम्ल से, सल्फोनिक अम्ल से अगर हम लोग चाहें बच्चों तो भी फिनॉल बना सकते हैं। उसको इस तरीके से देखिए बच्चों कि अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं सल्फोनिक अम्ल, क्या होता है SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन कराते हैं इसकी NOH के साथ में, यहाँ से H2O बाहर जाता है बच्चों और बन जाता है हमारे पास में यहाँ से SO3NA, ठीक है बच्चों। उसके बाद में SO3NA की रिएक्शन फर्दर रिएक्शन करा देते हैं बच्चों हम लोग इसकी हम लोग 2NaOH के साथ में, तो क्या होता है बच्चों जब इसके साथ कराते हैं तो हमारे पास में यहाँ से ONA बन जाता है, साथ बनता है Na2SO3। इसको यूँ समझ लीजिए बच्चों, एक बार ऐसे लिख लेना फिर रफ में लिखना इसको। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaOH दो ले लिए तो बताओ मेरे पास में क्या होगा, Na2SO3 बाहर, यहाँ से ये H2O बाहर, ONA बचा कि नहीं बचा, ये ONA जुड़ गया प्लस H2O आपका हो गया। अब ONA से H+ लाना है, ONA को H जोड़ना है तो क्या करना, ONA पे अभी बताया था थोड़ी देर पहले किससे रिएक्शन कराऊँ, बताओ इसकी रिएक्शन करा दूंगा मैं H+ से, या इसकी रिएक्शन करा देते हैं HCl से, क्या हो जाएगा बच्चों या हमारे पास में बन जाएगा OH फिनॉल बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा हमारे पास में, साथ मिल जाएगा हमारे पास में NaCl, बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम इसको बना सकते हैं फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल से बना सकते हैं इसको हम लोग सैलिसिलिक अम्ल से अगर आप चाहें बच्चों तो फिनॉल बना सकते हैं। सैलिसिलिक अम्ल से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले सैलिसिलिक अम्ल लिख लो, ठीक है, ये आपका OH हो गया, ये COOH हो गया। अब मुझे फिनॉल बनाना तो मुझे क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा, इस ग्रुप को हटाने के लिए आपको बताया सोडा लाइम, आप जानते हो सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को निकालता है, CO2 बाहर हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, फिनॉल बन जाएगा। इसके अलावा आगे चलें बच्चों प्रिपरेशन मेथड में, तो अगला प्रिपरेशन मेथड आ जाता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को हम लोग बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी फिनॉल बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लेते हैं, ये वाला MgBr RMG एक सोता है तो R की जगह मैंने बेंजीनिंग ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दिया आपने O2 के साथ में बच्चों, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, यह बन जाएगा O, ठीक है, यह हो जाएगा आपका OMGBr बन गया। उसके बाद में क्या कराते थे आप, याद है आपको, उसके बाद में ये हाफ O2 के साथ कराइए रिएक्शन, ठीक है बच्चों, OMGBr बन गया। इसकी जब आप लोग क्या करेंगे, जलापगरण करा देंगे, जलापगरण करेगा यहाँ से टूट जाएगा इधर H और इधर OH, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो बन गया हमारे पास में फिनॉल OH, इधर बन जाएगा मेरे पास में MgBr देन OH, समझ में आया कि नहीं आया आपको, तो इस तरीके से हम लोग फिनॉल से भी MgBr से बना सकते हैं, हाफ O2 ले लेंगे काम में, ठीक है। तो ये सारे सिंपल मेथड थे, ठीक है, जनरल मेथड थे, इसी में कुछ इंडस्ट्रियल मेथड भी काम में आते हैं। फिनॉल को अगर बड़े लेवल पे बनाना हो, फैक्ट्रीज़ में बनाना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर हम लोग कौन से मेथड यूज़ करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधियाँ इंडस्ट्रियल मेथड for the preparation of phenol, फिनॉल के निर्माण की औद्योगिक विधियाँ, कौन सी विधि हैं, औद्योगिक विधियाँ हो गई बच्चों। औद्योगिक विधि में सबसे पहले बात करें तो नंबर 1 आता है फ्रॉम क्यूमीन, क्या होता है बच्चों, फ्रॉम
क्यूमिन, और क्यूमिन क्या होता है लिख लो, आइसोप्रोपिल बेंजीन को, लिख लीजिए आइसोप्रोपिल बेंजीन को, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यह अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया क्योंकि इसमें सह उत्पाद के रूप में, इसमें सह उत्पाद के रूप में कीटोन का निर्माण होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन इज नॉन एज क्यूमीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन इज नॉन एज क्यूमीन। This is important method because ketone form as a byproduct in this reaction। ठीक है बच्चों, O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जब रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ में तो यहाँ बन जाता है हमारे पास में, यहाँ बन जाता है बच्चों हमारे पास में ये कंपाउंड। उसके बाद में जैसे ही इसको हीट करते हैं बच्चों हम लोग, जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से कीटोन बाहर हो जाता है और हमारे पास में फिनॉल बन जाता है। ये फिनॉल बन गया, साथ में बन गया आपका बच्चों ये है आपका कीटोन। बात समझ आ गई आपको, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है बच्चों मध्य तेल अंश से, फ्रॉम मिडिल ऑयल से। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग मध्य तेल अंश की बात करें तो मध्य तेल अंश क्या होता है कि जब कोलतार होता है ना, कोलतार, अगर उस कोलतार को हम लोग उसका क्या कहते हैं प्रभाजी आसरण कराते हैं, कोलतार को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो उसमें नेफ्थलीन और क्या होता है बच्चों फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, नेफ्थलीन और फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मध्य तेल अंश। तो लिख लो आप लोग, क्या लिखेंगे कि जब कोलतार का प्रभाजी आसरण किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद मध्य तेल अंश कहलाता है, मध्य तेल अंश कहलाता है जिसमें फिनॉल तथा नेफ्थलीन पाया जाता है। ठीक है, तो फिनॉल जब उसमें मध्य तेल अंश हमने ले लिया C6H5OH, आपको सही तो फिनॉल ही है, ये मिक्स है किसमें नेफ्थलीन में, मध्य तेल अंश बोलते हैं, मध्य तेल अंश बोलते हैं बच्चों इसको। रिएक्शन करा दिया आपने इसकी NaOH के साथ में, आपको पता है क्या बनेगा C6H5ONa सोडियम फिनोक्साइड आपके पास में बन के तैयार हो जाएगा। अब इस सोडियम फिनोक्साइड से आप क्या चाहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड से आप ये चाहते हैं कि भैया हमें तो तुझे फिनॉल बनाना है वापस, तो फिनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में हीट कर देते हैं। मतलब यहाँ हम लोगों ने लिखा C6H5ONa और रिएक्शन करा दी इसकी बच्चों किसके साथ में, इसकी रिएक्शन करा दी हम लोगों ने CO2 के साथ में प्लस H2O के साथ में। जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है C6H5OH बन जाता है, साथ बनता है आपका Na2CO3, क्या बन जाता है बच्चों आपका Na2CO3 बन जाता है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है, ये आपका समझ आ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं साथ में तो क्या बन जाता है आपके, दो मॉलिक्यूल लेने के बाद में Na2CO3 बन जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों, उसके बाद में आगे चले हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर, थर्ड इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो थर्ड इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है इसके अंदर रोशिंग प्रोसेस। क्या बच्चों रोशिंग प्रोसेस क्या कहता है, कहलाता है बच्चों रोशिंग प्रोसेस किसे कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रोशिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ले लेते हैं बेंजीन C6H6 और इस रोशिंग प्रोसेस में बेंजीन के साथ में हम लोग ले लेते हैं Sa+ ½ O2 और ये जो रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम लोग वो कराते हैं CuCl2 किसके साथ कराते हैं बच्चों, इसको कराते हैं हम लोग CuCl2
किसके साथ कराते हैं? CuCl2 / FeCl3 एट प्रेजेंस ऑफ 523 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है बच्चों हमारे पास में, रोशनिंग प्रोसेस के अंदर बन जाता है हमारे पास में यहाँ पर C6H5। यहाँ से क्या निकलता है बच्चों आपका H2 निकल जाता है और बन जाता है C6H5Cl बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? C6H5Cl बन जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में हेलोएरिन बना है, हमारे पास में जो हेलोएरिन बना C6H5Cl बनता है बच्चों, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, इसकी रिएक्शन करा देते हैं बच्चों हम लोग H2O के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ SiO2। ठीक है बच्चों, SiO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 723 केल्विन टेम्परेचर पे। यहाँ से H2 निकल जाता है आपका और बन जाता है C6H5OH+, वापस HCl आपका निकल जाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों आपका? ये कहलाता है आपका रोशिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रोसेस और आता है बच्चों इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डव प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं डव प्रोसेस, डव प्रोसेस। ठीक है, डव प्रोसेस का मतलब होता है डव प्रक्रम से, डव प्रक्रम से, डव प्रक्रम से। ठीक है बच्चों, डव प्रक्रम से बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डव प्रक्रम से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास वॉशिंग प्रोसेस से हेलोएरिन आया है, हेलोएरिन आया है बच्चों, उस हेलोएरिन की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। किसके साथ कराते हैं बच्चों? इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किसके साथ में? Na2CO3 के साथ में। तो डव प्रोसेस में क्या करते हैं, मैंने बता दिया आपको कि जो रोशिंग प्रोसेस था हमारे पास में, पूरा लिख देंगे इसमें कि रोशिंग प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया पहले कि बेंजीन से, रोशिंग प्रोसेस में क्या किया हम लोगों ने, बेंजीन था हमारे पास में, बेंजीन की रिएक्शन कराई HCl+ ½O2 के साथ में। ठीक है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और FeCl3 523 केल्विन ताप पर हम लोगों ने हीट कराई थी बच्चों, तो हमारे पास में क्या बना था, हमारे पास बना था C6H5Cl बन गया था। इस C6H5Cl की, C6H5Cl की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें NaOH के साथ में, तो हमारे पास में जो बनता है बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 के प्रेजेंस में 623, ठीक है, केल्विन टेम्परेचर होगा। इसके साथ में अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं बच्चों तो क्या बनता है, और लगभग 300 इसमें वायुमंडलीय दाब होता है, 300 ATM होता है, इसकी रिएक्शन कराते बन जाता है C6H5, क्या बन जाता है आपका? OH बन जाता है प्लस NaCl बन जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है आपका डव प्रोसेस। आप चाहें तो यही रिएक्शन करा सकते हैं, C6H5Cl की करा सकते हैं आप लोग Na2CO3 प्लस H2O के साथ में, तब यही रिएक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, दोनों रिएक्शन करा सकते हैं, तो आपको एक ही याद कर लेना, NaOH के साथ में रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था आपका रोशिंग प्रोसेस। इसी तरीके का बेंजीन वाला एक प्रोसेस होता है, वो आता है आपका रोशिंग प्रोसेस के बाद में। अगला आता है बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन का ऑक्सीकरण आप जानते हो कि जब बेंजीन के का ऑक्सीकरण कराते हैं आप लोग, ½O2 की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैलेंस पेंटाऑक्साइड इन प्रेजेंस 853 केल्विन टेम्परेचर, तो बन जाता है आपका फिनॉल। यूँ कह सकते हैं बच्चों, ये था आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। और प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल दो टाइप के मैंने बताया आपको, एक बताया आपको नॉर्मल मेथड, दूसरा बताया मैंने आपको इंडस्ट्रियल मेथड। और इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर मैंने बता दिया आपको नॉर्मल मेथड में, तो क्या क्या बताया मैंने आपको कि डायरेक्ट आप चाहें तो आप बना सकते हैं इसको डायजिनम सॉल्ट से, डायजिनम लवण से बना सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया बच्चों इसको, दूसरा किससे बना सकते हैं? हेलोएरिन से बना सकते हैं। हेलोएरिन के बाद में बच्चों फिर मैंने बताया, हेलोएरिन के अलावा बाद में बताया बच्चों मैंने, इसके अंदर आपको सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3S से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया बच्चों आप इसको सैलिसिलिक
सैलिसिलिक एसिड से बना सकते हैं, उसके बाद बताया मैंने आपको ग्रिग्नार अभिकर्मक से बना सकते हैं, ये पांच मेथड्स हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर हम लोग चाहें कि भैया हमें फिनॉल बनाना है बड़े लेवल पे, तो इंडस्ट्रियल मेथड काम में लेते हैं। और इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर मैंने बताया बच्चों आपको, पहला बताया फ्रॉम क्यूमिन आइसोप्रोपिल बेंजीन से बना सकते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कीटोन एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन बताया बच्चों मैंने आपको मध्य तेल अंश से, और मध्य तेल अंश जो क्या होता है वो मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बताई बच्चों। मध्य तेल अंश की डेफिनेशन क्या बताया कि जब कोलतार को हम लोग गर्म करते हैं किससे, प्रभाजी आसन पे, तो फिनॉल और नेफ्थलीन का मिश्रण प्राप्त होता है, उसको मध्य तेल अंश कहते हैं। और उस मध्य तेल अंश को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है बच्चों, इसके साथ में NOH के साथ में, फिर उसके बाद में SL के साथ में, तो भी हमारे पास में क्या बन जाता है, सॉरी CO2 और H2 के साथ में, तो क्या बन जाता है, फिनॉल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया आपको रोशिंग प्रोसेस, रोशिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन SL और H2O के साथ कराते हैं, CuCl2 और FeCl3 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ 523 केल्विन टेम्परेचर, तो हेलोएरिन बनता है। और हेलोएरिन की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं 723 केल्विन ताप पर, तो हमारे पास फिनॉल का निर्माण होता है। खास बात ये बच्चों, अगर ये स्टेप हम लोग वापस रिपीट कर दें और सेकंड स्टेप की जगह हम लोग NOH ले लें, या H2 था NOH ले लें आप लोग, तो अब ये रिएक्शन जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी डव प्रोसेस, डव रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद बच्चों अगली रिएक्शन जो मैंने बताया आपको वो है बेंजीन के ऑक्सीकरण से, और बेंजीन के ऑक्सीकरण में मैंने आपको बताया कि भैया जब बेंजीन की रिएक्शन, सॉरी ये बेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं H2O के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटोक्साइड, तो भी फिनोल का निर्माण होता है। ये फिफ्थ पॉइंट है। तो ये था हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल। असल में आगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्या लिखेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल के भौतिक गुण, फिनॉल के भौतिक गुण। बेटा फिनॉल भी आपके लैब में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके क्रियात्मक समूह वाले परीक्षण के अंदर फिनॉल आता है, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में होता है फिनॉल वाला, ठीक है। उसके अंदर फिनॉल को आप जब देखोगे तो क्या होता है बच्चों, ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है बच्चों फिनॉल, ठीक है। आप जब लैब में देखेंगे तो रंगहीन नहीं मिलेगा ये। ये क्या होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके और गुलाबी रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। पैरा बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, अब जो बैन जो आपको मिलता है ना लैब में वो, ठीक है, वो हल्का सा ब्राउनिश कलर का मिलेगा, रंगहीन होता है। गंध इसमें फिनॉलिक आती है, स्पेसिफिक ऑर्डर होती है फिनॉलिक, फिनॉलिक ऑर्डर आती है, फिनॉल जैसे इसमें आती है आपको तीखी तीखी सी गंध आती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो ये विषैली प्रकृति का होता है, विषैली प्रकृति का होता है, मतलब अगर आपकी स्किन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो आप उस पर क्या होते हैं, फफोल हो जाते हैं, जली जली स्किन हो जाती है, ठीक है, ऐसा लगता है कहीं से स्किन बर्न हो गई हो, समझ में आ गया। दूसरा अगर हम लोग इसके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसके गलनांक की बात करें, तो इसका गलनांक जो होता है वो 314 केल्विन होता है बच्चों। और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इसके कथनांक की बात करें, इसके क्वथनांक की बात करें बच्चों, तो इसका जो कथनांक होता है वो होता है 455 केल्विन, समझ में आ गया। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है फिनॉल की, जो मैंने आपको बताया कि रंगहीन होता है, और अगर वायु के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है, ठीक है बच्चों। गुलाबी रंग का होता है, विषैली प्रकृति का होता है, अगर कॉन्टेक्ट में आती है स्किन के तो क्या होता है, उस पर फफोले हो जाते हैं, इसमें फिनॉलिक गंध पाई जाती है। इसका गलनांक जो होता है 314 केल्विन होता है, कथनांक जो होता है 455 केल्विन होता है। बात समझ आ गई बच्चों, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल, बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद में बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, तो आता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। और इसकी बात करें बच्चों तो फिनॉल 3 टाइप की रिएक्शन देता है, A, B और C। पहली रिएक्शन देता है इसके अंदर फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। दूसरी होती है बच्चों इसके अंदर बेंजीन वाले की रिएक्शन, बेंजीन वलय
की अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों। और तीसरी होती है इसके अंदर संघनन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं, ठीक है बच्चों, संघनन अभिक्रिया। फिनोलिक समूह के रिएक्शन की बात करें, मतलब ओ एस समूह की बात करें, नंबर ए रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप की बात करें, तो इसके अंदर नंबर वन आ जाता है बच्चों, रिएक्शन विद मेटल। क्या आता है बच्चों? रिएक्शन विद मेटल की बात करें, रिएक्शन विद मेटल का मतलब है धातु के साथ क्रिया। और आप सब जानते हो धातु के साथ क्रिया का मतलब क्या हो गया, कि जब मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन होगी तो अब होता है वही एल्कोहल वाला मामला है, वहाँ पर आर था, यहाँ ए आर है, ए आर ओ एच, एल्कोहल क्या था, आर था, आर ओ एच था, इतना ही तो फर्क है। रिएक्शन अगर धातु से कराते हैं बच्चों तो बेंजीन फिनोक्साइड आयन बन जाता है, बेंजीन फिनोक्साइड आयन बन जाता है, यह बन जाएगा ए आर ओ एन ए बन जाएगा बच्चों। और यह आपको मैं बता दूं कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ए आर ओ एच की रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम के साथ में, तो ए आर ओ एन ए बन जाता है। और इसके अंदर खास बात यह है बच्चों कि यह फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, और फिनोल की अम्लीय प्रकृति को कैसे इफेक्ट किया जाता है इसके बारे में हम लोग अभी एसिडिटी का पुराना लेक्चर पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें क्लियर कर दिया था कि फिनोल एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय क्यों है। मैंने बता दिया था ड्यू टू द रेजोनेंस एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका अनुनाद पाया जाता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। बेंजीन वाले में द्विबंध पाए जाने से क्या होता है भैया, तो आपको पता है द्विबंध पाए जाने की वजह से क्या होता है, बेंजीन वाले की क्या होती है, विद्युत दृढ़ता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड होते हैं उसके अंदर परसेंट एस लक्षण उतने ज्यादा होते हैं, जिससे उसकी विद्युत दृढ़ता उतनी अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता तो अम्लीय हो जाता है। और मैंने आपको बता दिया था, इसमें यह भी बताया था कि फिनोल में अगर प्लस आई समूह जोड़ देंगे तो कम अम्लीय हो जाएगा, और माइनस आई समूह जोड़ देंगे तो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। पूरी डिटेल से बात की थी अम्लता के ऊपर, मैंने आपको बता दिया था पूरा, वो पिक्टोरियल आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने फिनोल के अनुनादी संरचनाओं के बारे में भी आपको बता दिया था कि फिनोल की अनुनादी संरचना कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, और मैंने आपको बताया था उसमें खास बात बताई थी फिनोल की अनुनादी संरचना के अंदर, सबकी संरचना वैसे बनेगी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करोगे, जब आप माइनस को ट्रांसफ़र करोगे तो बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड को ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस बनेगा, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। फिनोल की अनुनादी संरचना वहाँ से पिक्टोरियल से देख के बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों, कि किस तरीके से फिनोल की अनुनादी संरचना बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो शो करती है वो फिनोल की अनुनादी संरचना शो करती है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, और वो आता है कि क्या कारण है फिनोक्साइड आयन क्या होते हैं बच्चों? फिनोक्साइड आयन होता है आपका OH होता है ना, अगर मैं इसमें से OH प्लस निकाल दूँ तो O माइनस बन जाता है, इसको फिनोक्साइड बोलते हैं बच्चों। कि फिर क्या कारण है, फिनोक्साइड आयन जो होता है बच्चों वह फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होता है, ये क्वेश्चन आता है। द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, वाई, एक्सप्लेन, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन करें, अनुनादी संरचना बनाओगे सीखोगे, नहीं आएगा तो फिर हम लोग अगले लेक्चर में उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि भैया फिनोल की अनुनादी संरचना हमने किस तरीके से बनाई थी, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसशिफ्ट किया था, और कैसे कैसे बॉन्ड का रेजोनेंस हम लोगों ने शो किया था, ठीक है बच्चों। फिनोल के अलावा फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक की खास बात यह है कि कंप्यूटर बोर्ड एग्जाम में जब भी उठा के देख लो आप लोग, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता है नेम रिएक्शन का, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको आपकी कॉपी के पीछे मैंने बताया था पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन की सारी नेमिंग रिएक्शन लिखनी है, और उसके बाद में फिनोल वाले चैप्टर की आपको सारी रिएक्शन जो नेम रिएक्शन है अब तक जो आ गई, जैसे रोशिंग प्रोसेस आ गई आपकी, इसके अलावा डव प्रोसेस आ गई आपकी, ठीक है, उसके अलावा कौन से आ गए आपको, मध्य तेल अंश वाली रिएक्शन आ गई आपकी, उसके अलावा आप कि इसके अंदर आगे रिएक्शन आएगी राइमर अटीमान रिएक्शन, इसके अंदर वापस रिपीट होंगी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो भी एल्कोहल के अंदर आएगी आपकी कौन सी रिएक्शन आई थी, डार्जन प्रोसेस रिएक्शन आई थी, ठीक है बच्चों। और ये जितनी भी रिएक्शन आपकी जो नेमिंग रिएक्शन है उसके आपको अलग से लिखनी है, उसका अलग से आपको तैयार करना, ताकि उसके क्वेश्चंस भी आप डील कर पाए एग्जाम में, बहुत ज़रूरी है। नोट्स को प्रॉपर वे में बनाना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करनी है, ग्रुप वाइज करनी है,
टेस्ट की तैयारी भी प्रॉपर वे में करनी है, जहाँ डाउट्स आए वो पूछने हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे राखी के बाद, आप सभी को मेरी ओर से राखी की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं बच्चों, ठीक है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, माना लॉकडाउन है बच्चों, और अभी तो आप इधर उधर जा भी नहीं सकते, और जाएँ तो बड़े एहतियात से जाएँ, मास्क का यूज़ करें, ठीक है बच्चों, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई के अंदर कोई भी खलल किसी भी तरीके की परेशानी से दो चार नहीं हो, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर कहीं भी इन्फेक्टेड होते हैं तो हम केवल हम लोग इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, हमारी पूरी फैमिली उससे कवर होती है, हमारी पूरी फैमिली उससे ट्रबल में आ जाती है, परेशानी में आ जाती है। तो ये इट इज़ नेसेसरी पार्ट फॉर द प्रिकॉशन और प्रिजर्वेशन फ्रॉम कोविड-19। तो हमें ये समझना है कि कोविड-19 के इस मामले में हम लोगों को पूरे एहतियात के साथ में पढ़ाई करनी है, आना जाना अवॉइड करना, राखी घर से ही मनानी है, ठीक है बच्चों। ईद पे भी आप लोग कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है बच्चों, गैदरिंग सोशल गैदरिंग ना करें, ताकि आपका त्यौहार भी अच्छा रहे और आगे आपकी पढ़ाई भी इंटरप्ट नहीं हो। उसके बाद में बच्चों दोबारा आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ ईद की और राखी की। अगली क्लास में मिलेंगे आपको 5 तारीख को, ठीक है बच्चे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।